जहां एक ओर लॉकडाउन से देश में लोग गरीबी और अभावग्रस्त जिंदगी से जूझ रहे हैं, लोगों की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है, सभी घर में बैठे हाथ मल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर घर में रहकर महिलाएं लाखों कमा रही हैं। हम बात कर रहे हैं दुमका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित रांगाटांड़ गांव की, जहां किरण देवी व रावड़ी देवी ने लोगों को यह कर दिखाया है कि किसी भी विषम परिस्थितियों से पार पाकर कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। दोनों महिलाओं ने JSLPS से जुड़कर बैंक से क्रेडिट लिंकेज कराकर ऋण लेकर एक एकड़ जमीन पर करेली व मिर्च की खेती टपक सिंचाई माध्यम से शुरू की, साथ ही जैविक खाद का उपयोग करके एक मिसाल कायम की है। ऐसी वजीविका संस्था मैं कैश में यही करती हूँ और समूह में जुड़ के सोशल पैसा ऋण लेके और टिपक सिंचाई के माध्यम से खेती कर रहा हूँ मिर्चाई और करेला, और इसमें भी मुझे कुछ मुनाफा मतलब आमदनी हो रहा है, पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। जनवरी महीने से ही खेतों को तैयार करने के बाद किरण देवी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ऋण लेकर खेतों में लग पड़ी। 45 दिनों के बाद मेहनत रंग लाई और करेला व मिर्च तैयार हो गया। छोटे से कुएं से मोटर लगाकर टिपक सिंचाई व मिल्चिंग तैयार कर नाडेप द्वारा जैविक खाद बनाकर यह काम किया गया, जिसके बाद 60 रुपए करेली व 80 रुपए प्रति किलो के भाव से मिर्च की बिक्री कर ऋण को चुकता करते हुए लाखों का मुनाफा कमा रही है। तो हम लोग अक्सर अब उस समय तो रासायनिक खेती करते थे, अब हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं और उसमें हम लोग घनजीवामृत घर में ही बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कीटनाशक के लिए निमास्त्र भी बनाते हैं और कीटनाशक के जगह हम लोग निमास्त्र का उपयोग करते हैं। और नाडेप भी बनाए, अब हम लोग उसमें कंपोस्ट खाद बनाते हैं और वही हम लोग अपने खेतों में अपने फसल में उसको यूज कर इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक खाद खाने से बहुत शरीर में हानि होता है, तरह तरह के बीमारी भी होता है और ये पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक खेती की तरह बन रहा है और इसलिए हम लोग पहले की तरह जो बिना खाद से खेती करता था उसी तरह हम लोग इसको जैविक खेती करते हैं, जो प्राकृतिक की तरह है, जो जो शरीर के लिए लाभदायक भी है। आपका नाम? कृत्यानंद राय। खेतों के काम में हल से लेकर जैवामृत नाडेप व विटामिन तैयार करने में परिवार की सदस्य कृत्यानंदन उन्हें राय देते हैं। उनका मानना है कि खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। अपने घरों में गाय है, गाय के गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ आदि से मिट्टी के लिए जैवामृत आदि बनाकर डालते हैं। आधुनिक समय में लोग रासायनिक उर्वरकों से उपजे अनाज खाकर बीमार पड़ रहे हैं, वहीं जैविक खाद शरीर के लिए अच्छा होता है। मैं बता दूं, मेरा नाम विष्णु कुमार है, हम PRP पद पे कार्यरत हूं मसलिया ब्लॉक से, जिसमें हमारे दीदी लोग समूह में जुड़ी हुई है और उनके माध्यम से पैसा ऋण के रूप में ली, क्रेडिट लिंकेज, और उनके माध्यम से एक पहल हम लोग किए टपक सिंचाई के माध्यम से, दीदी लोगों को ट्रेनिंग दिए, मोबिलाइजर किए और जिला से भी आए, ब्लॉक से मेरे BPM है निर्मल कुमार बैद, जो आके दीदी लोगों को समझाए। इस काम से जुड़े दीदियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कराने का काम संस्था के PRP विष्णु कुमार करते हैं। नई तकनीक की खेती, बीजों का चयन, समूह के दीदियों को प्रोत्साहित करने का काम आदि समय समय पर करते हैं। विष्णु कुमार का कहना है कि JSLPS आत्मनिर्भर बनाने का दीदियों को एक अवसर प्रदान करती है, जो इसमें रुचि दिखाते हैं वह लाखों का मुनाफा घर बैठे कमाते हैं। रांगाटांड़ से 5 किलोमीटर दूर पाला जोड़ी हाट पड़ता है, जहां सप्ताह में एक बार सब्जी मंडी में सब्जी पहुंचाकर महिलाएं पैसे कमाती हैं।